सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। इसमें ऐसा कुछ यू वर एडेड बाय समवन हु इज नॉट इन योर कॉन्टेक्स्ट। इसमें फुल स्क्रीन जैसा कुछ होता है? नहीं सर, नो सर। Talk through us the pros and cons of working in big companies. कौन है ये? अमन मिश्रा। Give us a brief introduction of our career. How much your leave is given? और कौन है? साहिल। Promotion. I heard that some company do promotion of their seafarers late or something. Ship is in dry dock, then what is the work timings of the crew? Okay, let's start with the introduction. एक मिनट, मेरे को कुछ पेज खोलने दो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले इसमें मेन पॉइंट्स लिखता जाऊँगा साइड में कि मैं लखनऊ से हूँ। मैंने एक अच्छे स्कूल से 12th वगैरह किया, अच्छे परसेंटेज से पास किया, और बचपन से मेरा सिर्फ एक ही एम था कि आई जस्ट वॉन्ट टू स्टैंड ऑन माई ओन फीट। तुम लोग में से पता नहीं किसी ने देखा होगा कि नहीं, एक सीरियल आता था लिटिल वंडर्स, तो उसमें दिखाते थे कि क्या बोलते हैं, वो कुछ फॉरेनर्स होते हैं, वो 16 ईयर से 10th में अपना कमाना वमाना शुरू कर देते हैं। और वैसे भी मेरे एम था, तो जब मैं 12th में था तो मैंने अपने एक बुक देखी थी 10+2 करियर्स, और उसमें दो ही ऑप्शन थे आफ्टर 12th, बिकॉज 12th के बाद मेरे को थोड़ी सी साइनस वगैरह की दिक्कत थी, और जनरली वैसे भी मतलब पढ़ाई में अच्छा था, बट पढ़ाई में इतना ज़्यादा टाइम पढ़ना नहीं था। 10th वगैरह में भी मैं ट्यूशंस वगैरह रहता था। आई एम नॉट फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, तो अपना जो भी है वैसे भी क्या बोलते हैं, इतना अपने आप पॉकेट मनी वगैरह के लिए पैसे
पैसे वैसे ट्यूशन वगैरह कर लेता था। तो जब 10+2 करियर्स देखे तो उसमें 10th-12th के बाद दो ही करियर्स थे, एक मर्चेंट नेवी और एक क्या बोलते हैं कॉल सेंटर। कॉल सेंटर तो उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है, तुम लोगों को सबको पता ही है आजकल। तो लास्ट ऑप्शन आई थिंक 12th के बाद एक अच्छा ऑप्शन मर्चेंट नेवी बचता। NDA और AIEEE के एग्ज़ाम्स वगैरह दिए थे बट उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था, और जब तक मर्चेंट नेवी में हो भी गया था। तो सबसे पहली चीज़ आती है जब मर्चेंट नेवी के लिए हम डिसाइड करते हैं कि क्या है मर्चेंट नेवी, क्या होता है वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें तो तुम लोग को काफ़ी चीज़ें पता होगा अभी तक, बट आजकल तो मीडिया और ये सब यूट्यूब वगैरह ज़्यादा है। उस टाइम पे तो हम लोग के पास फ़ोन इंटरनेट इतना कोई ऑप्शंस थे नहीं यार, तो कॉन्टैक्ट्स वगैरह पता करने शुरू किए थोड़ा बहुत। कोई दूर दूर तक पूरे खानदान में कोई जॉब नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, तो जब कंटिन्यूसली पता करते रहे तो जो जिस लाइब्रेरी में बुक पढ़ते थे उन्हीं लाइब्रेरियन के भाई वगैरह थे, और पापा के भी कोई दोस्त वगैरह मिले। तो आवाज़ क्लियर आ रही है ना? यस सर। तो थोड़ा बहुत पता वता किया। तो मेरा जो मतलब एंजॉयमेंट्स वगैरह जो होंगी वो, मेरे को कभी बचपन से ऐसा कोई ज़्यादा पैसे का या घूमने घूमने का इतना शौक नहीं था। तो मेन क्राइटेरिया मेरा पता करने के था कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगी और मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड होंगी नहीं, और थोड़ा बहुत क्या बोलते साइनस की वजह से या पीसफुल नेचर होने की वजह से मैं अपने घर पे जब आसमान को देखता था तो मेरे को लगता था हाँ शिप है, पूरा खुला आसमान होगा, पीसफुल जगह होगी, तो आराम से चले जाएंगे। सैलरी जो मैंने बुक में पढ़ी थी उसमें लिखी थी 35,000 से स्टार्ट होती है, बाकी आगे कितनी होगी ये तो उस समय पता नहीं था, और रैंक्स वगैरह का ज़्यादा पता नहीं था, बट हाँ ये सब ने बोला था कि मेहनत बहुत होती है। तो जो लाइब्रेरियन के वो थे ब्रदर, उनसे पता वता किया और उन्होंने बताया। तो जो कंपनीज के कुछ एड्रेस वगैरह दिए, सब कंपनीज में अप्लाई कर दिया। कंपनीज से तुम्हारा इंटरव्यू के कॉल्स आ गए, ठीक है। तो जब ये सब मैंने दिसंबर से ही चालू कर दिया क्योंकि मेरे को पता था आगे मेरे को कुछ करना है 12th के बाद। एक्सक्यूज मी सर, जब हाँ बोलो सर, ये कौन से ईयर की बात है? मतलब ये 2004। ओके सर। जब मैंने 2004 मैंने 12th दिया था तो 2003 दिसंबर से स्टार्ट किया था 2004 की बात। तो 2004 में सब दे दिए ये ईमेल्स वगैरह और इंटरव्यूज़ के जो भी आ गए कि जब आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा ये आएंगे मार्कशीट वगैरह तो आप आ जाइएगा मुंबई। तो थोड़ा इस बात पे मैं थोड़ा बहुत लकी था, मतलब वैसे तो घर से मैंने कभी आज तक अकेले निकला नहीं था, बट मुंबई में मेरे रिलेटिव्स थे, मेरी बुआ वगैरह हैं, काफ़ी घर जैसा रिलेशन है, जो मुंबई में घर होना बहुत बड़ी बात होती है या रिलेटिव्स वगैरह। तो मैं उन्हीं के यहाँ रुका था और वहीं पर क्या बोलते हैं इस वजह से क्योंकि जब कोई घर में निकला तो पेरेंट्स वगैरह जान नहीं पाते हैं, आपकी साउंड नहीं आ रही। एक इंटरव्यू दिया मेरे को, बहुत सारी कंपनी कॉल को इंटरव्यू कर रही है सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। पहला इंटरव्यू पता नहीं कौन सी कंपनी में था, आई थिंक के लाइन में था, और फिर उसके बाद और एक किसी में था। तो दो इंटरव्यू से समझ में आ गया कि थोड़ी बहुत वहाँ पे MMT जो है ना बेलार्ड एस्टेट वगैरह VT पे कुछ बुक्स भी मिलती थी। दो इंटरव्यूज़ पे समझ में आ गया कि क्या क्या थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। और थर्ड इंटरव्यू मेरा था फ्लीट में। अब वो लक बोलो या क्या बोलो, तो फ्लीट में जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मेरे को सारे क्वेश्चंस वही पूछे गए जो मेरे को पहले दो इंटरव्यू में पूछे गए थे, और मेरी जहाँ पे मुंबई में रह रहा था वो कोई मिल गए थे मेरे को मर्चनी वाले, तो उन्होंने वो सारे आंसर मेरे को बता दिए थे। बीच में एक सैटरडे संडे था ऐसा कुछ था,
तो फ्लीट ने तो मतलब उसमें इंटरव्यूज के और भी राउंड्स होते हैं, ग्रुप डिस्कशन, साइकोमेट्री, ये वगैरह, बट क्योंकि मेरे सारे आंसर सही थे तो मेरे को उसी दिन सेलेक्ट कर लिया था, एक एक ही मैं बंदा था। फिर उसके बाद और भी कंपनीज के इंटरव्यूज हुए और सिलेक्शन हो गया था काफ़ी उसमें, बट मेरे को तो आइडिया नहीं था, तो जो बिल्डिंग में लोग थे या जो भी, उनसे बात बात करके यही डिसाइड किया कि फ्लीट सबसे बेस्ट कंपनी है, एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड और प्राउड फॉर दैट डिसीजन टिल टुडे। व्हाई वो आगे अभी पता चलेगा। तो फ्लीट में भर दिया, तो जब फ्लीट में स्टार्ट कर दिया, वो बॉन्ड वगैरह साइन कराते हैं और कुछ होता है, और स्पॉन्सरशिप दे दी उन्होंने, तो उसमें उन्होंने टी एस चाणक्य की स्पॉन्सरशिप दी, और उन्होंने दो ऑप्शन दिए थे कोर्स के, या एक 3 months कोर्स था और पीसी वाला है, या फिर 1 year डिप्लोमा का जो भी है डीएनएस। तो नेचुरली डीएनएस चुना कि डिग्री भी मिल जाएगी साथ साथ में कोर्स के, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, 3 महीने में क्या पढ़ेंगे। और स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत डर तो रहता ही है कि जितना डिले हो, जाना तो है बट जितना डिले हो उतना अच्छा है, वो अलग बात है कि बाद में चाणक्य जाके उतनी पढ़ाई नहीं होती है, या बाद में ऐसा लगता है। और इवन आज तक मैंने ये 1 year डिप्लोमा वाली डिग्री क्लियर नहीं की है, वो 3-4 बार एग्ज़ाम दिए, पता नहीं क्या होता उसमें, इग्नू का था। तो एनीवेज, इन शॉर्ट ये था इसका। फिर फ्लीट जो है उस टाइम पे लक थी कि द शिपिंग इंडस्ट्री वॉज वेरी गुड बूम, गोल्डन पीरियड जिसको मैं बोलता हूँ, उसी समय जब बूम जस्ट स्टार्ट हुआ था, तो जिस दिन हमारा ट्रेनिंग खत्म हुई उस दिन से फ्लीट ने हम लोग को जो भी कोर्सेज कराने होते हैं, OTF, CTF, GTF, वेल्डिंग वगैरह, ये वो 1 महीने की पूरी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। और फिर उसके बाद बोला ठीक है तुम लोग घर जाओ 15 दिन की छुट्टी के लिए, और जब तुम्हारा शिप आएगा उस तो हम कॉल कर देंगे। साल भर के बाद 15 दिन के लिए घर गए, हफ्ते भर के बाद बुला लिया कि शिप आ गया है और तुम्हारा हफ्ते भर की ट्रेनिंग, फेमिलाइजेशन ट्रेनिंग होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, वो है उसको, उसके बाद इंडक्शन नहीं, उसमें कुछ और बोलते थे, फिर मैं याद नहीं आ रहा, तो वो करना है फेमिलाइजेशन एंड कोर्सेज वगैरह होते हैं ना। तो हफ्ते भर के कोर्सेज थे, 2 दिन के बाद बोलते हैं कि शिप आ गया तुम्हारा, तुम जाओ, तो कोर्सेज होते रहेंगे वहीं पे शिप पे भी। तो पहली बार मुंबई आया था, घर से बाहर निकला था, पहली बार उन्होंने अकेले भेज दिया पनामा, यानी आई थिंक कितनी उस टाइम पे 36 hours, कितने आवर्स की फ्लाइट होती है गैप दे के, अकेले गया पनामा में। जैसे ही गया तो वहाँ पे जाके, अच्छा था काफ़ी, 5-star होटल था, और वहाँ पे जाके उन्होंने बोला कि तुम्हारा शिप कुछ डाइवर्ट हो गया है, अब नहीं आएगा, कुछ टाइम लगेगा, तो दूसरा शिप अरेंज करेंगे, जब तक यहीं पे रहो, आराम करो, घूमो फिरो। तो मैंने लेटर लिख दिया, पैसे तो है नहीं, मतलब 2-4 दिन कुछ मैनेज किया, लेटर लिखा, तो बाद में उसके लिए बम्बू भी मिला था, बट ठीक है, कुछ पैसे उन्होंने $100-150 उस टाइम पे भेज दिए थे। फिर वो आई, वो उस होटल में और भी सीपर्स रहते थे, तो कुछ ग्रीस के सेकेंड ऑफिसर कोई मिला था, वो थोड़ा बहुत घुमाते थे पनामा कैनाल, देखा इधर उधर थोड़े बहुत बार्स वगैरह सब देखे। और 11 दिन फिर उसमें क्या हुआ, दूसरा शिप अरेंज किया, वो भी डाइवर्ट हो गया। फिर उन्होंने एक तीसरा शिप अरेंज किया, तो वो मेक्सिको से था, तो लक थी मेरी कि जिस दिन मैं वहाँ पे गया मेक्सिको, उसी दिन से नया रूल आ गया कि पहले ऐसा था कि वहाँ से वीज़ा नहीं चाहिए था, उस दिन से कुछ नया रूल आया कि वहाँ से वीज़ा चाहिए, तो वो शिप भी डिले हो गया। फाइनली 11 दिन के बाद 5-star होटल में मजे करने के बाद, घूमने फिरने के बाद, उस होटल में इतना बड़ा होटल था, उसमें सब कुछ था, स्विमिंग पूल, जकूजी और तुम्हारा कैसिनो, सब कुछ था वहाँ से, और ये कैडेट शिप की बात कर रहा हूँ मैं। और वहाँ से फिर उसके बाद रीफरशिप मैंने ज्वाइन किया, पहला शिप मेरा रीफरशिप था। उस टाइम फ्लीट के बाद काफ़ी अच्छे स्टार रीफर्स वगैरह अच्छे शिप थे, तो रीफरशिप पे ज्वाइन किया। रीफरशिप तो सबसे बेस्ट होता ही है आई थिंक,
फ्रूट्स वगैरह कैरी करते थे, चेरी और बनानास, डिफरेंट टाइप की चेरीज, प्लम्स, एवोकेडो, बहुत सारे और ग्रेप्स. तो मैं तो कैडेट था, मेरे को टेम्परेचर लेने जाना है, तो रोज़ सैंपल लेते थे और सैंपल लेने के बाद उसमें रख नहीं सकते थे होल्ड में, तो आराम से खाते थे. और वेदर वगैरह भी अच्छा रहता था, चिली वगैरह ये सब जगह, इक्वाडोर, पेरू, अच्छी अच्छी जगह घूमने भी जाते थे. और उस टाइम पे तो शोरली अच्छी होती थी. आफ्टरनून वॉच में थर्ड ऑफिसर के साथ चले गए, शाम की वॉच में सी ऑफिसर या सेकेंड ऑफिसर के साथ चले गए. तो मज़ा आता था उस समय. फिर क्या हुआ, 3 महीने बाद वो शिप जो है वो हैंड ओवर होना था किसी को, तो कुछ लोगों को साइन ऑफ करना था या सबको करना था पता नहीं, बट 3.5 महीने के बाद मेरा साइन ऑफ हो गया. और मैं जब घर आया, मतलब उस शिप की वजह से ये वेदर और ये फ्रूट्स खा के मेरे गाल पूरे लाल और बहुत ज़्यादा बुरा हो गया था. और घर वालों, और लग भी था कि सबसे ज़्यादा जो है होम सिकनेस पहली बार होती है. 3.5 महीने के बाद घर आ गए, और क्या इतना कुछ था सबके लिए, गोल्ड वगैरह और ये वो, मतलब शिप पे उस समय तो राजा बन जाते हैं हम लोग. और हम लोग को अभी भी कई लोगों की सैलरी $400 है, हमारी उस समय $400 थी, और 200-300 ऐसे ही मिल जाते थे इतना स्लीपरशिप पे, लैशिंग और उन सब चीज़ों के. तो अच्छा था काफ़ी. फिर वही हुआ, उन्होंने बोला 15 दिन का छुट्टी ले लो और रेडीनेस दे देना. रेडीनेस दी, और आई थिंक 10 दिन मैक्सिमम, हफ्ता भर या 10 दिन फिर घर पे रहने दिया था, फिर वापस बुला लिया. फिर नेक्स्ट टाइम दिया केमिकल टैंकर. तो केमिकल टैंकर उसने दिया, उसने चॉइस दी, उसने बोला 9 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए या 12 मंथ्स का. अभी आइडिया तो नहीं था, बट सी टाइम कंप्लीट करना था जल्दी से, उस वक्त जवानी में तो जोश होता है पूरा. तो मैंने बोला नहीं, मेरे को सी टाइम पूरा कंप्लीट करना है जल्दी से. और तो बोलता है नहीं, देख लो, हेक्टिक शिप होते हैं ये वो. मैं बोला जो होगा देखा जाएगा, पूरा सी टाइम कंप्लीट करना. 12 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उसने, शिप पे चले गए बाओ सिंगापुर. पहला था टिमोर स्ट्रीम, दूसरा बाओ के शिप शॉर्ट फेल के होते हैं. तो चढ़ गए, बहुत हेक्टिक काम था, ये वो प्रॉब्लम्स होती थी, कभी रोते थे, होम सिकनेस होती थी. और चीफ ऑफिसर्स वगैरह अच्छे थे, चीफ ऑफिसर्स मास्टर्स वगैरह अच्छे थे. केमिकल टैंकर्स में ज़्यादातर ऐसे अच्छे होते, हेक्टिक शिप्स होते ना, तो लोग अगर दिल के अच्छे नहीं होंगे तो वो वहाँ पे पॉलिटिक्स वगैरह तो करेंगे नहीं, बट सर्वाइव भी नहीं कर पाते, क्योंकि हर समय काम होता है और प्यार से काम भी लेना होता. तो शोर लीव ले जाते थे, घुमाते थे. जियो सर की वाइफ भी एक बार थी, बांग्लादेशी जियो सर था, वो गिफ्ट्स वगैरह भी लेके आती थी, कपड़े, टी शर्ट्स वगैरह और चॉकलेट्स, ये वो. और बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते थे, बहुत इंजॉय करते थे हमेशा. ऐसे ही मास्टर जाता था तो बाहर जरूर लेके जाता था, चीफ इंजीनियर वगैरह. तो ऐसे ही टाइम कट गया काफ़ी. जब 12 महीने हुए तो उस शिप पे भी ऐसा ही हुआ कि अभी मेरे आई थिंक 2-2.5 महीने बचे थे, तो किसी सुपरिटेंडेंट या किसी को सेल करना था, तो लाइफ बोट कैपेसिटी नहीं थी, बोल रहे थे इसको उतारेंगे उतारेंगे, वैसे भी टाइम हो गया. मैंने कहा नहीं, मेरे को सी टाइम कम्प्लीट करना है. ऐसे करते करते लास्ट में क्या हुआ, उस शिप को भी हैंड ओवर करना पड़ा. तो मेरे 10 दिन बचे थे सी टाइम के. तो उस टाइम पे ना मैं बहुत थोड़ा ऐसा सत्यवादी या ऐसा क्या बोलते हैं उसको, सिंसियर या ये वो. तो मेरे कंपनी हेड से बात हुई, उसने बोला मैं मास्टर को बोल देता हूँ, 10 दिन बढ़ा के लिख देगा क्या बोलते हैं CDC में. मैंने बोला नहीं, मैं एक्चुअल सी टाइम करूँगा. बोलता है ठीक है. फिर उतर के फिर से 10-15 दिन के बाद उन्होंने एक दूसरा शिप दे दिया, स्टॉल ट्वेलर, इस पे वो हाईजैक हुआ था ना स्टार्टिंग में. तो अच्छी कंपनी, 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट उसने दिया था, और 1-1.5 महीने में सिंगापुर में जब आया तो उतार दिया था. फिर एग्ज़ाम्स दिए, तो एग्ज़ाम्स मैंने दिल्ली से दिए थे, ARI से, सेकेंड मेट्स के. और आई थिंक मेरी लाइफ का सबसे खुश दिन मर्चेंट नेवी के हिसाब से वही था, जिस दिन मैंने सेकेंड मेट क्लियर किया था. उसमें भी ये रिटेंस में तो सारे मैंने एक ही बार में क्लियर कर लिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. ओरल्स में ऐसा था कि पहले टाइम पूरा वॉश आउट हो गया था, सेकेंड टाइम कैप्टन शादरा आए थे, उन्होंने सारे एक साथ दे दिए थे. उस दिन जो खुशी थी
मतलब सबको फोन करना, सब फ्रेंड्स वहाँ थे, सबसे गले मिलना। और लक्की थे हम लोग, तीन फ्रेंड्स थे, तीनों उसी दिन एक साथ क्लियर हो गए थे, तीनों मास्टर थे हम। तो सेकेंड मेट क्लियर हो गया और कंप्लीट तो फ्लीट है, जिस बात पहले से ही रेडीनेस दे दी जो भी कोर्सेज वगैरह करने थे। जिस दिन आई थिंक सीओसी हाथ में आया उसके एक दो दिन के बाद शिप पे चले गए थे। सो वापस केमिकल टैंकर्स चालू हो गए थे। तो मैंने बिल्कुल कट टू कट किया है, 9 मंथ्स एज अ थर्ड ऑफिसर किया एक ही शिप पे। बहुत पाव सगामी करके शिप था, काफ़ी अच्छा रन था उसका, उतना हेक्टिक केमिकल टैंकर नहीं था। तो मैंने कर लिया 9 मंथ्स एज थर्ड ऑफिसर, एग्जाम दिया ये फेज वन का। फिर उसके बाद सेकेंड ऑफिसर में चला गया। 9 मंथ्स रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम, उतना ही मिनिमम करके उतर के 9 मंथ्स 10 डेज ऐसा करके फेज वन दिया। फिर उसके बाद कंपनी को पता चला या कुछ रिपोर्ट अच्छी भेजी थी मास्टर ने, तो सेकेंड ऑफिसर में प्रमोशन मिल गया। फिर सेकेंड ऑफिसर में मैंने 2 कॉन्ट्रैक्ट किए थे। एक मेरा शिप था जो अग्राउंड हो गया था, जैपनीज किसी चैनल में थे हम लोग, मतलब उस पर भी मेरा यही एम था 9 मंथ्स करने का, बट वो अग्राउंड हो गया था। बहुत ही नैरो चैनल था, बहुत ज़्यादा करंट था, उसका केस स्टडी हम लोग बाद में करेंगे। तो वो अग्राउंड हो गया तो उसकी वजह से फिर हम लोग का साइन ऑफ हो गया था। तो फिर मैंने नेक्स्ट शिप ज्वाइन किया, वो भी केमिकल टैंकर था। तो अराउंड 9 मंथ्स फिर एज अ सेकेंड मेट करे, फिर वापस आके फेज टू एग्जाम दे दिया और चीफ मेट्स का लाइसेंस मिल गया। चीफ मेट्स में भी सेम स्टोरी वही थी, रिटन्स आराम से क्लियर हो गए, ओवरऑल में फर्स्ट शॉट टोटल फेल, सेकेंड शॉट फुल पास। फिर वापस, हाँ फिर उसके बाद उसमें उस टाइम पैसा हुआ, आई थिंक ये था मेरा चीफ मेट्स मैंने दिया था 2011 में। चीफ मेट दिया जिस दिन, पहले से ही मैंने कंपनी से बात हो गई थी, रेडीनेस दे दी थी जिस दिन। उस समय ऐसा हो गया था हमारी कंपनी में कुछ डिवीजन, नॉर्मली जो शिप्स थे वो सब सारे टाइप्स के शिप्स सब लोग हैंडल करते थे, बट उस समय बिकॉज ऑफ बहुत सारे शिप्स होने की वजह से एक बल्क ड्राई साइड का और केमिकल और टैंकर साइड का एक डिवीजन हो गया था। तो चीफ प्रमोशन तो चाहिए था, फ्लीट तो आई थिंक उस समय सबसे बेस्ट थी प्रमोशन के लिए। एग्जीक्यूटिव भी थी पर एग्जीक्यूटिव में थोड़ा पेपर वर्क वगैरह ज़्यादा था, तो प्रमोशन भी दे रहे थे और क्या बोलते हैं, जिस मैनिंग एजेंट या कैप्टन के थ्रू मैं जाता था उन्होंने बोला कि हमारी साइड आ जाओ, पहले ही तुम हम लोग के साथ काम कर रहे हो। तो उनको भी ज़रूरत थी लोग की और मेरे को प्रमोशन मिल गया था, चीफ मेट लाइसेंस। जिस दिन मैंने चीफ मेट का लाइसेंस हाथ में आया उसी दिन हम लोग नॉर्वे का शिप था, ये स्पार के शिप्स है ना फ्लीट में, जो फ्लीट के होंगे उनको मालूम होगा। तो उस पर चले गए, ऑन बोर्ड प्रमोशन के लिए गया था बट चीफ मेट का सीओसी वगैरह सब नॉर्वेजियंस साथ में लेके गया था क्योंकि ऑन बोर्ड प्रमोशन होता। तो जो जियो सर था उससे अच्छी दोस्ती भी हो गई, उसने उसको किसी मैरिज या किसी के लिए जाना था, जिस दिन सी हाथ में आया उस दिन शिप पे चढ़े, 2 महीना ट्रेनिंग वगैरह ली और चीफ मेट का प्रमोशन हो गया स्पार के शिप्स पे। फिर एज अ चीफ मेट स्पार के शिप्स पे सेल करते रहे। फिर 2014 में मेरा आई थिंक वो चीफ मेट के बाद 12 मंथ्स का सी टाइम चाहिए होता है, मतलब या तो चीफ मेट के बाद 12 मंथ्स हो या टोटल 36 हो, दोनों चीज़ें काउंट होती है। तो चीफ मास्टर्स का एग्ज़ाम दे रहा था उस 2014 में कुछ रीज़न की वजह से, कुछ डिजीज़ या हेल्थ इफेक्ट्स की वजह से मेरे फादर की डेथ भी हो गई थी और उसके साथ साथ मेरा क्या बोलते हैं मास्टर्स का एग्ज़ाम था उसके बाद। तो मास्टर्स का एग्ज़ाम दिया उस ईयर में, उस ईयर में पहली बार कार भी ली थी, ये 2014 की स्टोरी है। फिर उसके बाद ए,
एएसएम क्लियर हो गया 2014 में, और मास्टर्स प्रमोशन में तो टाइम मिलता है, ऐसा नहीं मिलता, इतनी जल्दी नहीं मिलता। तो अब सब एग्जाम्स तो खत्म हो गए और चीफ मेट में सेल करते रहे। उसके बाद वापस एक बार मैंने एक बार केमिकल टैंकर पर ट्राई किया था, शायद हो जाए, उस वक्त पैसे वैसे भी ज़्यादा मिलते थे, नहीं मिला, फिर मैंने छोड़ दिया, बल्क कैरियर्स पे ही कंटिन्यू किया। और जब छुट्टी पे आता था तो मैं पढ़ाना चालू कर दिया। तो आई थिंक 2015 से मैंने ऑफ एंड ऑन पढ़ाना चालू कर दिया था टीचिंग। तभी अभी अराउंड 5 years हो गए, 2020 चल रहा है। तो फिर 2016 में जब मैं टीचिंग ही कर रहा था, बीच में थोड़ा बहुत मेरे को ये साइनस का इशू था, तो मेरे को शिप का एसी या एनवायरनमेंट या ज़्यादा फ्लक्चुएशन टेम्परेचर का उतना अच्छा नहीं लगता था, तो मैं कोस्टल वेसल्स या ऐसे शोर जॉब वगैरह ढूंढ रहा था। हाँ, इसके पहले बीच में मैंने आई थिंक 2014 में जब चीफ मेट्स कर रहा था, साथ में एक पोर्ट कैप्टन का भी एक जॉब किया था। ये पोर्ट कैप्टन मतलब वो शिप पे जाते हैं ना फ्रॉम चार्टर्स रिप्रेजेंटेटिव्स, और देखते हैं कि कोई मतलब बार्जिस वगैरह से बल्क कैरियर पे जब लोडिंग होती है तो कोई वेदर डिलेज, अननेसेसरी डिलेज नहीं हो रही है। वो तो वो थोड़ा बहुत एज अ पोर्ट कैप्टन कुछ टाइम काम किया था, फिर टीचिंग करता रहा। 2016 में मैं जब टीचिंग कर रहा था मुंबई में MMTI में, तो मेरे को एज अ मास्टर के लिए कॉल आया था एक कोस्टल वेसल पे। जनरल कार्गो वेसल पे था, कोस्टल रन था। तो 2016 में कमांड मिली, फिर उसके बाद 2017 में भी एक फ्लीट के वेसल पे गया था कमांड पे। फिर उसके बाद फॉरेन शिप्स मेरे को उतने अच्छे नहीं लगे। 2017 में फिर एक कोस्टल वेसल किया था मैंने, ये कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर्स वगैरह चलता था। फिर बीच में याद नहीं, आई थिंक 2016 में ही एक मैंने पैसेंजर शिप पे भी सेल किया था, ये जो कोस्टल में सर्च कर चलते हैं ना, ये कोचिन टू लक्षद्वीप आइलैंड। और एक वेसल था बीच में ऑफशोर वेसल, एंकर हैंडलिंग वेसल ASTS, उस पर भी सेल किया था एज अ मास्टर कुछ टाइम, बट ऑफशोर में मेरे को अच्छा नहीं लगा, एक्सपेरिमेंट सारे करके रहते हैं। और 2017 में एक और था, ये तुम्हारा रिलायंस में सिक्का टर्मिनल है ना, उसमें तक एक ऑफिस था, ऑफिस जॉब था, वो भी ट्राई किया था। तो ऐसे ही करता रहा। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, ये 2017 में मैंने जो फ्लीट का वेसल किया था उस पर बहुत ज़्यादा हेक्टिक था या प्रॉब्लम थी, तो उससे मेरे को कुछ बहुत ज़्यादा यू कैन से डिप्रेशन टाइप का हो गया था, या कुछ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था उस शिप पे। जब मैं आया तो मतलब बहुत परेशान रहता था, सपने वगैरह थे। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया था कि अभी मैं वापस नहीं जाऊँगा, भले ही उसके बाद मैंने एक दो शिप्स किए हैं, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती थी। तो योगा मैंने स्टार्ट किया, ये बाबा रामदेव को लाइव देख के करता वगैरह था। तो उस टाइम पे बाबा रामदेव जो है अपने गुरुकुल वगैरह में एडमिशन के लिए बुलाते थे, तो मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, चलते हैं। तो वहाँ पे मैं उस समय भी लखनऊ में CMET में पढ़ा रहा था, और उनसे पर बात करके वहाँ चला गया। तो मैं वहाँ पे रहा 2-4 महीने, बट ठंड के टाइम पे मेरे को सूट नहीं गया, बट आई थिंक लाइफ का बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा टाइम था वहाँ पे, जो मेरी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या डिवाइन ग्रोथ है वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हुई थी। फिर उसके बाद मेरे को समझ में आ गया कि इसके बिना तो लाइफ में कंप्लीटली जी नहीं सकते,
कुछ स्पिरिचुअल टच डेवलपमेंट चाहिए ही, बट मेरे को वेदर जो है वो साउथ इंडिया का सूट करेगा, तो उसके लिए मैंने फिर पता करना शुरू किया। तो साउथ इंडिया में एक शिवानंदा करके है योगा केरला में, उसके और भी ब्रांचेज हैं, तो मैंने वहाँ पे रहा कुछ टाइम, वहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग भी किया और वहाँ पे रहा, मैंने देखा कुछ टाइम पूरा, आई थिंक 2018 लास्ट और 2019 स्टार्टिंग में वहाँ पे रहा। फिर उसके बाद में एक और शिप पे गया था, उस पर वापस कमांड मिली थी जो कोस्टल वाला जो था लास्ट वाला, और ठंड के टाइम पे फिर उसके बाद उस शिप के बाद 2019 में ही मेरे को एक इंस्टीट्यूट है साउथ में कोयम्बटूर का, वहाँ का प्रिंसिपल बनाया गया था, तो उनके पास अपॉर्चुनिटी थी, मैं वहाँ पे चला गया। बट दो एक दो महीना करने के बाद मतलब बहुत जमा नहीं, वो वहाँ पे लोग बहुत कम थे और पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से नहीं थी, जीपी रेटिंग ये वो, और लोग प्लेसमेंट के लिए पैसा वैसा लेते थे, मेरे को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी, और मेरा थोड़ा सा योगा की तरफ काफ़ी झुकाव हो गया था, वो भी उस मैच वैच नहीं कर, खाना पीना भी अच्छा नहीं था। तो फिर एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पे पौंडीचेरी में, पौंडीचेरी मैरिटाइम एकेडमी, वहाँ पे भी मैं पहले कर चुका था, तो वहाँ पे मैं कर रहा था, काफ़ी अच्छी सैलरी वगैरह भी थी वहाँ पे, पैकेज वगैरह अच्छा था, सब रहने वहने का था। और वहाँ पे पौंडीचेरी में अगर किसी को पता हो एक ऑरोविल करके जगह है, तो वहाँ पे सब फॉरेनर्स रहते हैं, बहुत सारी टाइप की एक्टिविटीज़ होती है, तो टाइम एंजॉय किया। फिर 2019 एंड में मैं मदर के साथ मेरे को जाना था ये शिवानंदा आश्रम, उनका भी कुछ ट्रीटमेंट था और मेरे को भी, मैंने भी कुछ कोर्स कर लिया। तो जब मैं वहाँ पे गया तो मदर अपना ट्रीटमेंट करा के कुछ टाइम बाद चली गई, और मैं वहाँ पे 6 महीना के लिए रुक गया वो वॉलंटरी सर्विस करने के लिए। तो इस साल अप्रैल तक वहीं पे था, और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं ये कोविड का आ गया मार्च अप्रैल में। तो लास्ट में जब मेरे को लगा कि सिचुएशन ख़राब हो रही है, तो मैं अप्रैल में घर आ गया। बट उसके बीच में वहीं पे चेन्नई में एक इंस्टीट्यूट है, तो थोड़ा बहुत मेरे को लगा, जब लास्ट में अक्टूबर से अप्रैल तक नवंबर से लगा कि थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है योगा वगैरह, थोड़ा बहुत अपना भी मतलब मिस कर रहे थे मर्चेंट नेवी और इसको टीचिंग वगैरह को, टीचिंग मेरे को लगता है मेरा पैशन है, मैं छोड़ नहीं पाता हूँ। तो वहीं पे एक इंस्टीट्यूट में थोड़ा धीरे धीरे करके चालू किया, जबकि योगा आश्रम से अलाउड नहीं था, बात बात करके चालू किया, क्योंकि केरला से चेन्नई मेरा ट्रांसफ़र हो गया था योगा आश्रम से। फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत जमा नहीं, और ये कोविड का टाइम था, तो मैंने कहा पहले कुछ टाइम घर जाते हैं, बहुत टाइम हो गया घर नहीं गए, और वेदर भी ठीक हो गया। तो इस साल अप्रैल में घर गया, और ये क्लासेस बंद हो गई थी अप्रैल से, फिर कुछ प्रोजेक्ट वगैरह मिले और दूसरे इंस्टीट्यूट से, और ऐसे ही करते करते फिर क्लासेस चालू हो गई, आई थिंक मई एंड वगैरह से क्लासेस चालू हो गई थी, जून स्टार्टिंग से, सो क्लासेस चालू रही। फिर इस साल 2020 जून में मैं अभी यहाँ पे हूँ सूरत में, सूरत में जो VTS है, VTS तो तुम लोगों को पता ही होगा, जो आते जाते शिप्स का ट्रैफिक और मॉनिटर करते हैं फॉर्मेलिटीज पेपर वर्क एंड ऑल, तो सूरत VTS में मेरा हो गया। फिर उसके बाद मैं तब से यहीं पे हूँ, बट यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं है, तो मैं साथ में क्लासेस भी लेता रहता हूँ, और VTS भी है, कंपनी की तरफ से रहना खाना पीना है, अच्छी लाइफ है, तो अभी जब तक कंटिन्यू होगा यहीं पे करूँगा। तो आगे की लाइफ के लिए यही है कि शिप पे जाने का वैसे मेरा तो मन नहीं है, बिकॉज वहाँ पे बैलेंस लाइफ नहीं रहती है अगर, बट COC वैलिड रखूँगा, कभी अगर इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ेगी तो जा सकते हैं। वैसे भी मेरा फैमिली का बिजनेस वगैरह तो है ही बैकअप शुरू से, और ये VTS है, और पैसा ये क्या हो गया, पैसा इतना कमा लिया है कि वैसे पैसे की कोई ज़रूरत भी नहीं है, तो फैमिली बैकअप भी है, मनी बैकअप भी है, और COC बैकअप है, तीन बैकअप बहुत है।
तो ये फ्यूचर का प्लान है, टीचिंग कंटिन्यू करेंगे, बाकी जो थोड़ा बहुत बीटीएस से बीटीएस में चला तो चला, और नहीं तो फैमिली का या कुछ ना कुछ देखेंगे, टीचिंग से मैनेज तो हो ही जाएगा। तो किसी को कुछ क्वेश्चन है या कुछ पूछना है? अरे सूरत बीटीएस सर किधर से है? सूरत बीटीएस सूरत में है, हजीरा गुजरात में। कौन सा पोर्ट पे सर? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। He is asking about the port where the Surat BTS is there. Port यहाँ पे दो तीन स्टेशन है, मैं हजीरा स्टेशन पे हूँ, हजीरा पोर्ट अगर तुम लोगों ने सुना हो तो। और यहाँ पे सभी जगह जितने भी पोर्ट्स है सभी जगह BTS तो होती है, कांडला में और नवलखी में, तुम्हारा भावनगर में, मुंद्रा पर। तो एक ही कंपनी है जो मैनेज करी हमारी कंपनी ये कांडला भावनगर वगैरह में, उनका मेन स्टेशन अच्छे से ऑपरेट कर रही है, तो देखते हैं। So, sir, is this BTS thing is a good option for the shore job or? I can't say it is a good option or not. If you get some link and you can continue, it is good. But वही है, अगर शिप्स एक बार शिप से टच छूट जाता है तो जॉब मिलना मुश्किल होता है। एंड पहले तो इसका क्या बोलते हैं, सी टाइम जो है वो एग्जाम्स के लिए काउंट नहीं होता था। अभी रिसेंटली कुछ बात चल रही थी, बट मैंने इंक्वायरी डाली है कि सी टाइम उसका काउंट होता है कि नहीं, BTS का आज ही कुछ बात हो रही थी। मेरे को तो ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर योर कोई पूछ रहा था या तुम लोग के लिए। What kind of port jobs do we have? I mean, other than port master and all. You are asking for deck side, correct? Yes, sir. So, for deck side, shore options are very limited, but first priority or easiest is your pilots. Just सबसे ज़्यादा captains जो है वो pilots नहीं जा सकते हैं ज़्यादातर, because वो थोड़ा बहुत flexibly होता है, छोड़ भी सकते हैं, छोड़ तो कोई भी सकते हैं, but फिर भी तो pilots की आजकल भी requirements आती रहती हैं। pilots के लिए ऐसा नहीं है, वो I think chief mate license चाहिए और कुछ 12 months experience या master license चाहिए, 12 months experience, और फिर कुछ I think 3 months, 4 months, 6 months, depending on port training होती है। So different ports और different उसकी requirements होती है, तो pilots की तुम्हारी government sites पे ad आती रहती है, उससे आप देख के approach कर सकते हैं। I think से ज़्यादा information तुमको अभी नहीं चाहिए होगी तो बाद में। Payment वगैरह क्या होता है port job में? Port job में payment क्या होता है? Payment तो pilots में क्या बोलूं, यू कैन से तुम्हें 1 लाख तक मिल जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी होता है और पर्क्स होती हैं, फिर रहने रहने खाने पीने का वगैरह और अलग अलग चीज़ें डिपेंड करती हैं। चलो इसके साथ में इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी लिख देते हैं, जब तुमने पूछा ही है शॉर्ट में। तो पायलट के एडवांटेज डिसएडवांटेज उसमें भी, एक तो रिस्क फैक्टर तो है ही, नेविगेशन में हमेशा रिस्क फैक्टर तो ही रहता ही है, बट पायलट इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, इतनी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, तो वो उसका एडवांटेज है। फिर शिप्स का शेड्यूल वेरी होता है, तो वेरिएबल जो शेड्यूल होता है वो कभी जाना है कब नहीं जाना है, कभी नाइट वर्क है कभी डे जॉब है, तो वो जिसको सूट करता है और जिसको पैसे चाहिए और जमता है तो वो कर सकता है। ऑफ कोर्स गुड वेरी गुड नेविगेशन स्किल्स चाहिए, बट वो तो प्रैक्टिस करते करते वेदर एक्सपोजर और ये सब रहता ही है। पैसे भी शिप वगैरह से पैसे भी मिल सकते हैं, बट ये कोविड के टाइम पे तो रिस्की है, ट्रैवलिंग वगैरह भी रहती है बहुत उसमें। मेरे को ये सब में से कुछ भी पसंद नहीं है, मेरे को एक फिक्स शेड्यूल, मेरा फिक्स शेड्यूल है। मैं तुम्हें शेड्यूल के बारे में आया तो फिक्स शेड्यूल ही बता देता हूँ।
मेरा फिक्स शेड्यूल है, मैं सुबह 4 से 4 बजे उठा, 5 बजे उठा, जब भी उठा 5 से 7 या 8 जो भी टाइम मिलता है, अभी यहाँ पे तो 7 बजे आना पड़ता है, नहीं तो 8 बजे तक वो सुबह रामदेव, बाबा रामदेव को देखकर किसी को योगा करता हूँ, फिर उसके बाद ये ऑफिस आ जाता हूँ। डेली मेरी मंडे संडे मेरे को मेरे उसमें शेड्यूल में कोई थोड़ा बहुत हो, ज़्यादा तेज नहीं आता। सुबह 9 से 1 बजे तक क्लास लेता हूँ, फिर उसके बाद अपने और भी कोई, मैं इसके बाद याद दिलाना तुम लोग को अपने वीडियो चैनल का लिंक दे दूँगा, और जो वीडियोस बनाने होते हैं वीडियोस बनाता हूँ। फिर यहाँ से हम लोग 3 बजे जाते हैं, 4 बजे तक जाके थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, 4:30 से मैं अपना जिम वगैरह करता हूँ, और या डांस क्लास वगैरह कुछ करी, या म्यूज़िक क्लास कुछ भी, जो भी अपनी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। फिर उसके बाद शाम को गुरुद्वारे में चला जाता हूँ अपना पीस के लिए थोड़ा बहुत। ये फिक्स शेड्यूल है डेली का, संडे को थोड़ी ज़्यादा टाइम गुरुद्वारे में बिठा देते हैं। तो एक ऑप्शन था तुम्हारा शोर का पायलट, दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा मरीन सुपरिटेंडेंट, सैलरी सभी में लगभग ऐसी ही है, मरीन सुपरिटेंडेंट है या मैनिंग, मैनिंग वाले ऑफिस में है, आजकल तो एजेंट ऑफिसेस में भी जरूरत पड़ रही है। फिर VTS तो बता ही दिया, पोर्ट कैप्टन या ऑडिटर्स, ऑडिट्स वगैरह में उतना मिलता नहीं है, ऑडिट्स और क्या बोलते हैं उसको, इंस्पेक्टर्स और ये वो, बाकी हो गया टीचिंग। सर आपको फोन से कितना मिलता है सर, जैसे मान लीजिए कोई टीचिंग करता है सर, तो क्या फोन में कर रहे हो सर अभी आप, सर इसका क्या पेमेंट क्राइटेरिया है? इसका पेमेंट क्राइटेरिया ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में पर आवर होता है, बट यहाँ पर सेशन है, जो मॉर्निंग का सेशन है 3 आवर्स का ये वो, तो मान के चलो कि अगर तुम डेली टीचिंग करते हो सारे क्लासेस, मतलब डेली जितना मैं करता हूँ एक सेशन, अगर तुम रोज टीच करते हो विदाउट एनी गैप संडे को भी, तो तुम्हें स्टार्टिंग में अभी मतलब पहले तो थोड़ा अच्छा मिलता था कोविड के पहले, बट अभी बिकॉज ऑफ दिस सभी इंस्टीट्यूट्स और बच्चे लोग कम हैं तो काफ़ी सैलरी डाउन हो गई, तो 20-30 हज़ार रुपये पर मंथ मिल जाता है, बट अभी मेरा तो VTS से भी काम चल रहा है, धीरे धीरे ये आगे हो जाएगा, तो टीचिंग में उतना क्या बोलते हैं वो नहीं है, पेमेंट नहीं है, बट जो सेटिस्फैक्शन है और जो इंटरेक्शन है, जो इंटरेस्ट पूरा होता है, जो नॉलेज इंक्रीज होती है, इंसान का माइंड लेवल अच्छा होता है, जो सीखने को मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता है। सर अगर ऐसे मेरे एक यहाँ पे खून के ये कैप्टन है, जिनको यहाँ पे साथ में आए हैं मेरे VTS में जॉब कर रहे हैं, कुछ महीने बाद वो बोर हो गए, बोलते हैं कि बिना पढ़ाए मतलब अच्छा नहीं लगता है, तो उन्होंने भी किसी तरह क्लासेस चालू कर दी साथ में यहाँ पे रहते हुए, तो जो क्लासेस और टीचिंग में जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, जो टीचिंग जो नोबल जॉब है, वो और कहीं नहीं मिलता। बाकी कुछ ऑफिसेस कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आती रहती है, अभी कल परसों ही मेरे को कॉल आई थी सिक्का के ऑफिस से या कुछ। हाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे? I can't hear you. Sir, company के लिए जैसे कि मान लीजिए किसी company का कोई office है, तो sir office job भी तो मिलती है ना sir आपका बीच में master को? लिखा तो है इसमें manning, manning का लिखा तो है ये manning. Sir एक question. Particularly question sir नहीं, particularly sir office का, जैसे कि इसमें sir आप fleet management में हो sir. हाँ. Fleet management में sir अगर आप office job करना चाहो, जिसके different offices हैं, fleet के पटना में भी है, आपको बॉम्बे में भी है, डिफरेंट जगह होते हैं सर, तो सर वहाँ पे ऑफिस जॉब में भी कुछ मिलता है क्या सर? ऑफिस में यही दो हैं, या तो सुपरिटेंडेंट बनाएंगे या मैनिंग बनाएंगे। सुपरिटेंडेंट अगर डेस्क साइड का है तो उनको टेक्निकल सुपरिटेंडेंट बना नहीं सकते, या तो क्वालिटी डिपार्टमेंट में डालेंगे, या DPA वगैरह होते हैं ये वो। सर जो रिक्रूटमेंट वाले होते हैं वो कौन से होते हैं सर? और जो मैनिंग वाले होते हैं इसमें डाल सकते हैं। तो मैनिंग का डिसएडवांटेज जो मेरे को लगता है कि एक तो झूठ बहुत बोलना पड़ता है, या कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी ये चापलूसी, कुछ भी मतलब क्या बोलते हैं फेकनेस बहुत रहती है, वो मेरे को पसंद नहीं है, मैं नहीं कर सकता। सर जैसे कंपनी में सुपरिटेंडेंट वगैरह में क्या डिसएडवांटेज होता है कि मतलब शिफ्ट विजिट वगैरह बहुत होती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है, मतलब यू हैव टू स्टार्ट एज अ कैडेटशिप, और वो भी सबको नहीं मिलता है,
उसमें बहुत ज्यादा लॉयल्टी और ये सब चीजें होते हैं, तो लक एंड वो बहुत सारी चीजें होती हैं जो हर जॉब में होती हैं। सर रिक्रूटमेंट तो किसमें आता है सर? रिक्रूटमेंट हैंड अगर मिले सर किसी कंपनी में, क्या क्या रिक्रूटमेंट? हाँ सर, कैंडिडेट को रिक्रूट करने का। एचआर सर, ही इज आस्किंग अबाउट एचआर। एचआर से तुम्हारा क्या मतलब है? एचआर के लिए तुमको एज अ डेस्क साइड की तो जरूरत नहीं ना, डेस्क साइड की बात कर रहे हैं ना? नो सर, जैसे कॉलेजेस प्लेसमेंट में आते हैं ना कैप्टन्स फॉर द रिक्रूटमेंट इंटरव्यूज लेने के लिए, ही इज आस्किंग अबाउट दैट। वो तो इन्हीं में से होते हैं, कोई तुम्हारे मैनिंग वाले या क्वालिटी डिपार्टमेंट वाले या कोई, वो तो इंटरनल है कंपनी का, किसको कौन किसका कितना इफेक्ट है या कुछ, इन्हीं में से होते हैं जो मैनिंग डिपार्टमेंट्स के या कोई आते हैं मरीज सुपरिटेंडेंट वगैरह, कोई स्पेशल अलग से नहीं होते हैं कोई। ओके सर, हमेशा थोड़ी ना आते रहते हैं इंस्टीट्यूट में, साल में एक दो बार जाएंगे, बाकी टाइम तो कुछ करेंगे ना, तो इन्हीं में से किसी को भेज देते हैं। सर सही क्वेश्चन है। सर जो सुपरिटेंडेंट वगैरह होते हैं सर, उनको क्या लिविंग फूडिंग की कंपनी प्रोवाइड करती है या फिर खुद का ही होता है? क्या क्या फिर से बोलो, तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कंपनी से जो जो कंपनी में सर जो भी आपने बोला क्वालिटी वगैरह में होते हैं इंडेक्स साइट के सर, तो क्या उनको लिविंग कंपनी बोला सर, क्वालिटी डिपार्टमेंट में और जो भी डिपार्टमेंट में होते हैं सर, तो क्या सर उनको जो रिक्रूट करते हैं सर, क्या उनको लिविंग फूडिंग की कंपनी देती है या फिर वो खुद से ही बेयर करना पड़ता है? लाइक इफ समबडी इज लिविंग, केस बाय केस डिपेंड करता है। आई थिंक ज्यादातर केसेस में नहीं देती है, मैंने तो जो देखा है कि सब अपने आप, मेरे फ्रेंड्स भी हैं बैचमेट्स जो फ्लीट में भी हैं अपना ऑपरेशन डिपार्टमेंट में, तो अपना ही कर रहे हैं सब लिविंग फूडिंग वगैरह। तो ज्यादातर केसेस में तो ऐसा होता है, किसी किसी केस में कंपनी गेस्ट हाउस हैं और कोई बाहर से आ रहा है, अगर गेस्ट हाउसेज भी होते हैं तो वो बैचलर टाइप वाले होते हैं, फैमिली को तो नहीं रख सकते, फैमिली को अगर रहने, जैसे यहाँ पे भी है जो फैमिली वाले हैं तो वो अपना लेके ही रह रहे हैं, फैमिली के लिए तो आई थिंक कोई कोई भी प्रोवाइड नहीं करता है, इवन पायलट्स कहीं पे भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। हो गया इसका अभी मेरा सर, एक मेरा एक क्वेश्चन है सर, एक सर अभी आपने बहुत आगे की बहुत ज्यादा सोचते हो, हमको सैलरी ज्यादा मिल रहा था। एक मिनट, तुम लोग आगे की बहुत ज्यादा सोचते हो, खैर मेरे को सर बोलने में वो आपसे मैं एक क्वेश्चन सर पूछना है, वो मैं नहीं सोच रहा हूँ सैलरी वैलरी के बारे में, मैं अभी बोल रहा हूँ ना इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो पहले जो हमारा फीस था ऑक्टो का वो था 3,000 28,000, अभी जो ये कितना ले रहे, क्या था तुम्हारा? अभी डबल कर दिया इन लोगों ने, वो मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्यों सैलरी कम दे रहे ये लोग, तुम्हारा जो अभी 4,500 5,000 के करीब है, तो आपको सैलरी क्यों कम फिर है सर? आप भी इनको बोलो ना फिर, जब आप लोगों ने फीस डबल किया तो मेरा भी बढ़ा दो। वो बात चल रही है धीरे धीरे, ये सब चीजें जो है ना, देखो इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट क्या बोलते हैं तुमसे फीस ले रहा है तो वो हमको दे देगा, उसमें बहुत सारे लोगों का इनपुट्स होता है ना, अभी तुम फोन मेरे टाइम तुमने क्यों ज्वाइन किया है या फोन सबसे पहले कोर्स क्यों प्रोवाइड कर पा रहा है, तो कुछ चीजें होती हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, तो सब जगह सबका कट होता है, सब जगह पैसा जाता है, तो और बार्गेनिंग पे डिपेंड करता है, थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा टाइम लगेगा, सब हो जाएगा अपना धीरे धीरे। मैं यार सिंगल आदमी हूँ, मेरे पास वैसे मेरे को पैसे की वो, मैं मेरा जो है कंप्लीट बैलेंस चाहिए, मैं अगर सीख नहीं पा रहा हूँ या तुमको सिखा नहीं पा रहा हूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी चीज़ें तो स्पिरिचुअलिटी में जाके इतना भगवान पर भरोसा है कि मैं लाइफ टाइम आराम से खा सकता हूँ, भगवान ने पैदा किया है तो खिलाएगा ही, कितने कितने लोग हैं दुनिया में 30% कमाते हैं, बाकी कितनी लेडीज हैं बच्चे हैं, तुम अभी कमाना चालू किया है या अभी चालू करोगे? इसके बाद तो किया नहीं है, 30% लोग कमाते हैं, और लोगों के बाद अगर बाकी जीव जंतुओं को देख लो तो पानी में भी रेगिस्तान में कहाँ कहाँ हैं लोग और जीव जंतु रहते हैं, सब खाते पीते हैं, सर्वाइवल तो हो ही जाएगा कैसे ना कैसे, काहे के लिए वो जो मेरा हक होगा वो मेरे को मिल जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं, किसी को भूखा नहीं मार सकता है सर, ये तो सीधी सी बात है, लेकिन बात यह है ना कि जितना पैसा कम है चाहिए आपको उतना सुकून होगा, जितना आपकी लालच बढ़ जाएगी सेल्फिश होगा उतना ज्यादा आपके पास टेंशन होगा, इससे अच्छा है कि कम चाहे कम में खुश रहो, लालच भी है और जितना होगा उतना उसको फिर संभालो इन्वेस्ट करो, अभी जो पड़ा है उसको कैसे इन्वेस्ट करें, कहाँ खर्च करें, कैसे बचा के रखें, जी जी, तो ये सब कौन सिरदर्दी लेगा, जिसको जिसने पैदा किया है उसी पे छोड़ दो, ज्यादा अच्छा है।
लर्निंग का एटीट्यूड होना चाहिए. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम सब एक साथ, जितना जो प्रेशर क्या बोलते हैं मर्चेंट नेवी में होता है या ये वो, अभी ये सब स्पिरिचुअलिटी और इधर सब मैंने जाके देखा है कि लर्निंग का एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए जैसे हम लोगों ने कल किया था. पहले एक दिन में ऑक्सीजन एनालाइजर करो, बट ऐसा करो कि एक बार कंप्लीट हो जाए. वही चीज बार बार करके रिपीट करते रहो, क्या फायदा उसका. जी जी जी. एक साल मुझे भी अभी 1.5 साल हो गया घर पे. क्या अभी हम भूखे रहे कि विदाउट शिप जो है अभी काम है तो उसी में खुश रहेंगे और सुकून भी है. वही तरीका है लाइफ में, और लाइफ में जो अच्छा है उसको यूज करो, जो भी तुम्हें टाइम मिला हुआ है उसमें. एक दिन में भले ही एक चीज सीखो, बट सीखो तो आगे जाके वो काम ही आएगी. तुम्हें भी लगेगा कि हमारा टाइम यूटिलाइज हुआ. बॉडी बना सकते हो, हेल्थ पे ध्यान दे सकते हो, मेंटल चीजें हैं, कितने फिटनेस एस्पेक्ट है, तुम्हारी कितनी इंटरेस्ट होंगे या कुछ, मेडिटेशन सीखो. तो एक बार फिर से क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं अगर कुछ पढ़े हैं. प्रोस एंड कॉन्स ऑफ वर्किंग इन बिग कंपनीज, ये तो मैंने बता दिया. ओनरशिप कंपनीज में सैलरी अच्छी रहती है बट प्रमोशन स्लो होते हैं और स्टैंडर्ड्स थोड़े हाई होते हैं. तुम्हें मिल जाएंगे क्या बोलते हैं स्टोर्स वगैरह, ये चीज़ें जो सेफ्टी की, सेफ्टी अच्छी होगी, इंश्योरेंस अच्छा होगा. ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ करियर, हाउ मच शोर लीव इज गिवन. टोटल लीव आजकल तो आई थिंक ऑलमोस्ट नीली हो गई, स्पेशली कोविड के टाइम पे तो. और क्या बोलते हैं साइन ऑफ टाइम भी इंक्रीज हो गए हैं, सब तो तुमको पता ही है. देन प्रमोशंस भी आजकल तो डिमांड एंड सप्लाई है, जब ज़्यादा लोग हो गए हैं तो प्रमोशंस तो स्लो हो ही गए. देन इफ द शिप इज ड्राई डॉक, व्हाट इज द वर्क टाइमिंग ऑफ द क्रू. इट विल डिपेंड ऑन द ड्राई डॉक. ड्राई डॉक जिस टाइम काम कर रहा है उस टाइम हम शिप का भी वर्क टाइम होता है. जैसे हम लोग ने यार्ड डिलीवरीज में तो कम ही टाइम रहता है क्योंकि खाली इंस्पेक्शन करना होता है, ज़्यादा देखना नहीं होता है. तो और मास्टर्स वगैरह पे भी डिपेंड करता है. तो हम लोग का एक इसराइली मास्टर था, हम लोग ने जापान से शिप टेक ओवर किया था. तो आई थिंक मॉर्निंग 9 या 10 से इवनिंग 3-4 रहता था. कभी कभी 10-15 मिनट भी अगर डिले हो जाते थे ना तो वो गुस्सा करता था कि आज सब कुछ आज ही सीख लेना है क्या तुम्हें. तो वो डिपेंड करता है. जापान में रह के भी हम लोग इंडियन पालकी करके, इंडियन रेस्टोरेंट रह के, इंडियन खाना खा के, सब वॉशिंग वगैरह लॉन्ड्री वगैरह कंपनी के थ्रू अरेंज करके भी रहे हैं. केस बाय केस डिपेंड करता है. एक बार आप जैसे कि एक बार सर आप सेल करते रहोगे सर, और एक बार आप मान लो सर दो तीन साल के स्ट्रेच पे छोड़ दोगे सर, तो क्या आप फिर से शिप पे जाना आपके लिए उतना ही आसान होगा या फिर इट विल टेक टाइम. 6 महीने और 8-10 महीने के बाद भी डिफिकल्ट होता है. देखो वो डिपेंड करता है आप कंपनी, उस कंपनी के साथ कितना लॉयल हो, कंपनी को कितनी डिमांड जरूरत है, आपके लिंक्स कैसे हैं उस कंपनी में और आपकी रिपोर्ट कैसी है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा. बट जो ऑब्वियसली डिफिकल्ट तो हो गई, तुम एक कंपनी कंटिन्यूसली सेल करके भी एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में आओगे तो ही दिक्कत होती है. तो छोड़ दोगे तो दिक्कत तो होगी, तुमको भी होगी और कंपनी को भी होगी. कंपनी चेंज करना कितना आसान और कितना टफ है सर, कंपनी अगर चेंज करना हो. चेंज करना तो काफ़ी आसान है, तुम्हें किसी कंपनी से कॉल आ रहा तुम चले जाओ. बट वापस उस कंपनी में तुम्हें मुश्किल मिलेगा, और जो दूसरी कंपनी है वो तुम्हें क्या बोलते हैं थोड़ी सैलरी बढ़ा के दे दी उस समय उनको ज़रूरत है तो ठीक है, बट आगे जाके तुम्हें वापस जॉब देगी कि नहीं, वो कंप्लीट डिमांड एंड सप्लाई का चेन है. अभी तो अभी ये जैसे बोल रहा है, ये 1.5 साल से वेट कर रहा है, ये किसी कंपनी में चला जाए हो सकता है नेक्स्ट टाइम उसको वो फिर से शिप मिल जाए, ना मिले. और ये इसी शिप इसी कंपनी में अगर कंटिन्यू कर रहा है, हो सकता है ये कंपनी वापस उनको ज़रूरत है दे या ना दे. तो ये सब तो डिमांड सप्लाई और बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जिसको टोटल मिला के लक बोल देते हैं. नहीं सर मेरा हो गया, अभी मेरा ऑलरेडी इंटरव्यू सब टेस्ट वेस्ट पास हो गया, $1400-1500 पे. ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह के हाथ में सब कुछ है. और दूसरी बात यह है कि जो मेरी लास्ट कंपनी है उसमें एक बंदा भी है, उससे पूछो शायद बोले कि झूठ बोल रहा है, ये रेड सी मैरिन दुबई है. अगर 3 साल भी कोई घर पे बैठेगा, 3 साल भी, 3 साल के बाद भी फिर ऑफिस में रिपोर्ट करो उस कंपनी में, ये है कि वो लोग ये नहीं सोचेंगे कि 3 साल घर बैठा है कि सैलरी इसका डिक्रीज करेंगे, सेम सैलरी रहेगा. मैंने ऐसे भी बंदे देखे 4 साल घर पे बैठे हुए हैं, फिर वापस ज्वाइन किया, सैलरी सेम है, कोई इशू नहीं है उसमें. कौन सी कंपनी? रेड सी मैरिन दुबई. रेड सी में तो वही कंपनीज और उन पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें होती है उसमें, कंपनी की रेपुटेशन, कितने शिप्स हैं, क्या हालत है कुछ है.
अब जैसे मर्स्क है, मर्स्क कितनी अच्छी कंपनी है, उनको कितने शिप्स है रिक्वायरमेंट्स है, बट रिसेशन में उन्होंने फोर्थ इंजीनियर्स हटा दिए और आजकल तो सभी जगह ऐसा इश्यूज है. तो किसी भी कंपनीज का ऐसा कोई फिक्स कुछ कह नहीं सकते. सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, आपका रिजिक के दाने किधर लिखे हैं वो कोई कोई डिपेंड नहीं है. जब मतलब हमारे लक में नहीं होता है, हम ऑफिस में चले जाते हैं तो ऑफिस वाले बोलते हैं कि जाओ भाई गैप है, 2 महीने 4-5 महीने की गैप है, क्यों गैप है, 1 साल की गैप है. अभी इससे पहले मेरा लाइन अप हो गया था इसमें ऑसलैंडशिप मैनेजमेंट में, तो 11 तारीख पे मेरी ज्वाइनिंग थी, तो इसकी वजह से मैं रुका हूँ, ऑक्टो की वजह से रुका हूँ मैं, नहीं तो मैं चला जाता. जहाज डूब रहा है तो भी वो अल्लाह की मर्जी है. जी जी सब कुछ है वो उसी की मर्जी. तो सही है फिर तो अल्लाह भी, जब डुबाना होगा तो उसकी मर्जी है और किसकी मर्जी है. बहुत सही थैंक यू. सर देयर इज वन क्वेश्चन. हां एक मिनट रुक जाओ. इसमें दोनों चीजें आती हैं, जो आप जैसे खेत में जो तुम बीज डालोगे और जैसी मेहनत करोगे वैसा ही फल निकलेगा. जी तो अल्लाह की मर्जी तो बेसिकली बोलने का मतलब है कि सर अल्लाह के हाथ में सब चीज थोड़ी है सर, हम लोग जो करेंगे वो ही तो बता रहा हूँ. दोनों चीजें हैं, जो तुम्हें लीव मिल रहा है सब अल्लाह के हाथ में, मतलब अल्लाह ही सब कर रहे हैं, आतंकवाद भी अल्लाह ही बढ़ा रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं. सुनो एक मिनट ऑफ द टॉपिक मत जाओ, ऑफ द टॉपिक मत जाओ. इस टॉपिक का कोई एंड नहीं है क्योंकि ना अल्लाह को कोई जानता है. उसके बाद बीच में किसी को बोलने की क्या आवश्यकता है भाई, रहने दो ना, सही बोल रहा है बंदा, रहने दो भाई, अपना एक्सपीरियंस बता रहा है. सबकी अपनी अपनी बिलीफ है, किसी को डिस्कस मत करो, ये एंडलेस टॉपिक है. एक मिनट में मैं तो ये बात इसलिए किया हूँ सर जी कि कोई हम में से आवाज बंद हो गई, अल्लाह ने आवाज बंद कर दी. जो हुआ सही हुआ. ठीक है अभी सुनो, एक किसी का क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम जाने पे, ये जो तुम्हारा मेन क्वेश्चन था कल से भी ये पूरी तरीके से कवर नहीं हुआ, तो फर्स्ट टाइम जाने के लिए देखो सबसे पहली चीज होती है कि तुमको अभी मैं टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट, 2 मिनट आंखें बंद करके तुम सोचो कि तुम सबसे ज़्यादा बुरा से बुरा क्या हो सकता है. क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर वैसे भी लोग पूछते हैं, और ये क्वेश्चन इसीलिए आता है कि तुम्हारे अंदर कुछ ना किसी की ना किसी चीज़ का डर होता है कि बहुत ज़्यादा काम होगा या बहुत ज़्यादा मारी जाएगी या नेटवर्क मिलेगा कि नहीं, घर वालों से बात कर पाएंगे कि नहीं, या घूमने को मिलेगा कि नहीं, गेम्स खेलने को मिलेगा कि नहीं, या जो भी तुम्हारे. तो टाइम स्टार्ट्स नाउ, 2 मिनट है तुम्हारे पास, आंखें बंद करके सोचो कि तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज का डर लगता है. Yeah.